दिखा दूंगा और कैसे मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई और कैसा मुझे प्रोडक्ट मिला। तो पहले दोस्तों आइए इसे फाड़ लेते हैं, फिर देखते हैं। वोल्ट की स्मार्ट वॉच आइए, देखिए दोस्तों ये आपको पूरी दी गई है। तो दोस्तों ये देखिए खुल चुकी। तो दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस प्रकार आपको अपने फायर वोल्ट या जो भी स्मार्ट वॉच है उसका दोस्तों आपको रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट कराना है। तो सबसे पहले दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ फायर वोल्ट की। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आराम से मिल जाएगा, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ कॉन्टैक्ट अस एट infocare@boltcom। आपको जब मैंने बात की थी कस्टमर केयर से दोस्तों, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आपका जो भी इशू है आपकी वॉच के संग, जो भी आपकी ख़राबी है वॉच में, उसको आप ईमेल एड्रेस से, अपने ईमेल एड्रेस से infocare@boltcom पर आपको सेंड कर देना है। उसके अगेंस्ट हम एक टिकट आईडी रेज कर देंगे और उस टिकट आईडी को में दोस्तों आपको एक नंबर मिलेगा और आप अपनी जो कंप्लेंट लिखी होगी उसके अनुसार हमारा 24 से 48 घंटे में एक मेल आएगा। उसमें आपके जो सॉल्यूशन होगा, या तो आपको वो रिप्लेसमेंट देंगे या रिपेयरिंग जो भी देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसका सॉल्यूशन उसमें लिखा होगा। तो दोस्तों मैंने ऐसा ही किया था, पहले तो मैंने कॉल पर बात की थी इनके गूगल वाले, देखिए मैं बताऊँ गूगल से मैंने हेल्पलाइन नंबर निकाला, या फिर अगर आपको गूगल पे नहीं मिल पा रहा है मिल जाता है पहले ही, तो आप दोस्तों जो फायर वोल्ट का डब्बा है वॉच का उसके पीछे भी लिखा रहता है। तो देखिए इस केस में देखिए लिखा हुआ है कस्टमर केयर नंबर 02248965957 करके है। तो मैंने इस पर कॉल किया था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा कि एक मेल पे अपना पूरा इशू लिख के infocare@boltcom पर सेंड कर दी। मैंने वही किया, अपनी मेरी जो वॉच थी उसमें कुछ कमी थी, बैटरी और सॉफ्टवेयर इशू था, तो मैंने उसमें लिख के इन लोगों को मेल कर दिया। उसके 24 से 48 घंटे में दोस्तों मुझे एक मेल आता उनकी तरफ से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक मेल आया मेरे पास 24 से 48 घंटे, रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट टिकट आईडी। देखिए मुझे एक टिकट आईडी जनरेट कर दी गई थी जिससे मैंने थोड़ा छुपा दिया पर्सनल रीज़न की वजह से। और दोस्तों देखिए आप देख रहे होंगे ये मेल है बोल्ट वालों की तरफ से आया हुआ है, लिखा हुआ है बोल्ट। तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ डियर वैल्यूड कस्टमर, ग्रीटिंग ऑफ द डे, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड टिकट इज क्रिएटेड अगेंस्ट द सेम योर टिकट आईडी इज। एक टिकट आईडी आपको देंगे, बेहद ही दोस्तों काम की चीज़ है, यानी टिकट आईडी का मतलब जो आपका कंप्लेंट नंबर है। तो अब दोस्तों उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं लोग, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट वी हैव सर्विस सेंटर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। इन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सर्विस सेंटर हर जगह मौजूद हैं पूरे भारत में, एंड यू कैन विजिट आवर नियरेस्ट सर्विस सेंटर फॉर क्विक रिजोल्यूशन। अगर आपको बहुत ही जल्दी फास्ट रिजोल्यूशन चाहिए तो आप सर्विस सेंटर जाके बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत क्विक सॉल्यूशन देगा और रिलेटेड टू वारंटी क्लेम, अगर आप अपनी वारंटी क्लेम करवाना चाहते हैं। अगर आपको दोस्तों और इसके सर्विस सेंटर देखने, तो ये यानी कि इसका जो URL था वो भी दिया था सर्विस सेंटर का, इन केस यू आर विजिटिंग आवर सर्विस सेंटर, अगर आप अपने सर्विस सेंटर में विजिट करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई ऑन दिस ईमेल टू क्लोज द रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर एज न्यू रिक्वेस्ट विल बी क्रिएटेड एट द सर्विस सेंटर। तो उन लोगों का कहना है अगर आपने सर्विस सेंटर विजिट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक मैसेज कर दीजिए जिससे हम अपनी टिकट आईडी क्लोज करके सर्विस सेंटर द्वारा जनरेट आईडी पर कार्य कर सकें। आवर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट एंड विल रिप्लाई यू ऑन योर ईमेल आईडी विद इन 24 से 48 आवर। इन्होंने कहा था, अब जो हमारा दोस्तों ये मेल जो आया है कंफर्मेशन का आया कि आपकी टिकट आईडी रेज कर दी गई है, इसके बाद जो आपका रिजोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा और 24 से 48 आवर में। तो दोस्तों मेरे को 24 से 48 आवर में अभी थोड़ा लेट मेरे पास एक मेल आया था। तो दोस्तों उससे पहले मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन कर लिया था क्योंकि मेरे को टाइम हो गया था, 24 से 48 के 2 या 3 दिन किसी कारण के हो पाया था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि दोस्त कि सर आपकी जो वॉच का रिप्लेसमेंट होगा तो हम 10 डेज़ के अंदर आपका रिप्लेसमेंट करा देंगे, उन्होंने 10 डेज़ सर लगते हैं हमारे को रिसीव होने से। तो उन्होंने दोस्तों एक सर्विस के कुरियर द्वारा मेरी वॉच का पिकअप अरेंज कराया गया और मेरी यानी कि कंप्लेन करने के विदिन 3-4 डेज़ में मेरी वॉच का पिकअप हो गया। उसके आफ्टर 10 डेज़, यानी उसमें कुछ छुट्टियां और भी थी, गैजेटेड छुट्टियां जो NH वगैरह कहते हैं वो इंक्लूड था, वो एक्सक्लूड था, यानी कि 10 डेज़ जो थे उनको दोस्तों ये सब संडे वनडे छुट्टी छोड़ के चाहिए थे 10 डेज़। उसके बाद लोग दोस्तों मेरी को एक मेल आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें दोस्तों रिप्लेसमेंट यूनिट इन ट्रांजिट अगेंस्ट टिकट आईडी, तो दोस्तों उसमें ये लिखा था कि जो मेरी वॉच है नई वाली रिप्लेसमेंट वॉच वो दोस्तों चल दी है। डियर कस्टमर ग्रीटिंग ऑफ द डे, दिस इज़
टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव शिप्ड द रिप्लेसमेंट यूनिट। उनका कहना था कि जो आपकी रिप्लेसमेंट यूनिट है वो हमने अब चला दी है, एंड इट इज़ इन ट्रांजिट अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट थ्रू आईडी, जो आपकी कंप्लेंट नंबर था, टिकट आईडी थी, उसके बिहाफ पर हमने वो वॉच आपकी भेज दी आपको। प्लीज़ फाइंड द बिलो कुरियर एंड ट्रैकिंग नंबर डिटेल्स विच कैन बी ट्रैक्ड ऑन कुरियर पोर्टल। तो दोस्तों, हम आपको कुरियर का ट्रैकिंग नंबर और कुरियर की आईडी दे रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो था कुरियर नेम था ईकॉम एक्सप्रेस मेरा वाला, और ट्रैकिंग AW नंबर ने हाइड कर दिया है, और शिपमेंट डेट थी ये। तो दोस्तों, अब मेरा जो, मैं बहुत खुश हो गया था उस टाइम कि मेरी वॉच चल दी है। द शिपमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट डिलीवर्ड विद इन 3-4 working days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। तो दोस्तों, उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन में दोस्तों जो मेरी वॉच है वो पहुंच जाएगी मेरे पास। इन केस द शिपमेंट इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन 7 working days फ्रॉम द डेट शिपमेंट, प्लीज़ रिप्लाई बैक ऑन द ईमेल। ये कह रहे हैं अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं पाते तो हमें बैक करिए इस ईमेल पर। तो दोस्तों, पर ऐसा नहीं हुआ था मेरे केस में। मुझे लगभग 3-4 दिन के अंदर मेरे को वॉच रिसीव हो गई थी, और बेहद दोस्तों नई वॉच थी, मैं बेहद खुश था। नया बिल विल सब उसके संग, ये तक की तो आपको पूरा पैक मिलता है, चार्जर वार्जर सब मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे वाले वीडियो में ओपन करके दिखाया था अपना पार्सल। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फायरवॉल टीम को, जो उन्होंने मेरी जो वॉच थी उससे रिप्लेसमेंट किया बड़े इजी तरीके से। और दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, अगर आप आगे भी मैं लूँगा तो फायरवॉल की लूँगा। दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे, काफ़ी जल्दी रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो कि आपकी वॉच का रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग कैसी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं इसको यहाँ से फाड़ना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आपके सामने एक कैंची से मैं ऊपर से फाड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने देखिए फाड़ लिया आपके सामने। अब मैं इसमें देखिए दोस्तों खोलता हूँ। ओह वाह, एक और पैकेजिंग, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग की गई है। देखिए अब दोस्तों, मैं तो ये दोस्तों हमारी फायरवॉल अनबॉक्सिंग होने आ रही है। ये देखिए दोस्तों, पूरी आपके सामने निकली हुई है। ये इसका वारंटी क्लेम सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जो भी इसका बिल वगैरह है। और ये देखिए दोस्तों, लास्ट में दोस्तों हमारे पास क्या आया, फायर वोल्ट की स्मार्ट वॉच आई है। देखिए दोस्तों, ये आपको पूरी दी गई है 5,000 रुपये इसकी MRP। ये दोस्तों रिप्लेस करके आई है, आप देखते हैं पॉलीथिन है हमारे पास, इसमें अंदर वारंटी और पूरा बिल निकला हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। अब दोस्तों, चलिए इस वीडियो को रोक के मैं आपको सारे ईमेल दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों,